नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी दो दिन पहले वन प्लस ने अपना एक नई सीरीज लॉन्च की है, वन प्लस एट सीरीज। तो इस एट सीरीज में इनके एक ग्लोबल लाइव लॉन्च इवेंट में इन्होंने इस सीरीज के दो फोन लॉन्च किए थे, जो कि है वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो। तो इस लाइव लॉन्च इवेंट में जो भी इन दोनों फ़ोन के बारे में ख़ास बातें बोली गई थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी में। तो इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में, जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएं। तो दोस्तों, ये आ गए रायन, जो कि हेड ऑफ कॉर्पोरेट पीआर वन प्लस के हैं। ये हमें वन प्लस एट सीरीज़ के बारे में बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें वन प्लस एट प्रो के बारे में बता रहे हैं, जो कि अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है वन प्लस सीरीज़ के। ये बोल रहे हैं डिज़ाइन से लेकर इसके ओएस तक हर चीज़ में हमने इसे ऐसा बनाया है कि ये पहली बार है जो इतना पावरफुल फ़ोन हम पेश कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ CMF टाइप का कुछ बता रहे हैं। कलर, मटेरियल और फिनिश, इसमें कर्व ग्लास बैक होगा, इसमें मैट फ्रॉस्टेड ग्लॉसी फिनिश इसमें आपको मिलेगी बैक में। अब इसमें कलर आएंगे ऑनेक्स ब्लैक और अल्ट्रा मरीन ब्लू, और इन्होंने एक और कलर इसमें डाल दिया जो ग्लेशियल ग्रीन। अब यहाँ पर देखिए इसके जो फ्रंट में पंच होल कैमरा है उसके बारे में बता रहे हैं, 3.8 mm, इतना ये छोटा सा है। और इसमें आपको IP68 मतलब IP68 की रेटिंग मिलेगी। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट इसमें स्पेसिफिकेशन दे रखा है यूनिवर्स का। इसमें आपको 6.78 इंच की अमोलेड स्क्रीन मिलेगी, जो कि QHD+ है, और 120 Hz का इसका रिफ्रेश रेट है, 240 Hz का इसका टच सैम्पलिंग रेट है, 1300 nits की इसकी पीक ब्राइटनेस है, JNCT जस्ट नोटिसेबल कलर डिफरेंस इसमें लेस देन 0.4 है, और 1.07 बिलियन कलर्स इसमें मिलते हैं, क्योंकि 10 bit का कलर इसमें है। 40% लेस ब्लू लाइट इसके जो होता है इमेशन वो होगा, और E3 मटेरियल का बना हुआ है। MEMC इसमें फ्लूड मोशन दे रखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। HDR10 और 10 प्लस का इसमें सपोर्ट दे रखा है। कंफर्ट जोन ऑटोमेटिक कलर टेम्परेचर इसका वो है, और इसका जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है वो 4096 लेवल्स का है। ये डिस्प्ले मेट जो है, ये डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है उसको ये सर्टिफाइड करता है, तो ये क्वालिटी अथॉरिटी है, तो इन्होंने इसे A+ दिया है। और साथ साथ में इसमें लगभग 13 अलग अलग टाइप के परफॉर्मेंस का इसमें रिकॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पर 10 bit का, जिसे मैंने बताया था, तो यहाँ पर 8 bit का इस तरह से मिलेगा, तो आपको 10 bit में कितने ज़्यादा कलर मिलेंगे देखिए यहाँ पर। तो इसमें जो भी HDR कंटेंट आप देखेंगे उसमें ज़्यादा आपको कलर दिखेंगे, ज़्यादा उसमें आपको कंट्रास्ट अच्छा दिखेगा और ज़्यादा लाइफ लाइक कलर दिखेंगे आपको। वन प्लस एट प्रो का जो JNCT है वो है 0.4, इसका मतलब ये कि जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं वैसे ही कलर आपको वन प्लस एट प्रो में देखने को मिलेंगे। इसमें 120 Hz का जो रिफ्रेश रेट दे रखा है। ये देखिए एक कंपैरिजन बता रहे हैं वन प्लस एट प्रो का 120 Hz का और iPhone 11 Pro Max का 60 Hz का रिफ्रेश रेट में, और इसका जो रिस्पांस है टच का वो 24.6 ms का है, जो कि बहुत फास्ट है। और इसमें 240 Hz की जो सैम्पलिंग रेट है तो वो आपके रिस्पॉन्स को और ज़्यादा स्मूथ कर देती है। तो जब इसमें 120 fps का रिफ्रेश रेट है, तो अगर आप 30 fps या 24 fps पर अगर कोई शूट करता है तो कैसे 120 तक जाएगा, तो उसमें होता है कि बीच बीच में ये, तो जैसे कि मैंने बोला बताया था आपको MEMC, तो ये जो MEMC है मोशन एस्टिमेट मोशन कंपनसेट जो चिप है, ये क्या करती है कि आप जब 30 fps से 60 fps तक आप शूट करते हैं तो बाकी के जो फ्रेम है ये खुद बनाती है, और आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट देकर आपको जो डिस्प्ले है वो स्मूथ कर देती है। तो आप इसमें या तो 60 fps का चूज़ कर सकते हैं या फिर 120 का। अब इसके बैक के कैमरे के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसमें आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जिसमें OIS का सपोर्ट है, और 48 megapixel अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसमें सोनी का IMX
586 का सेंसर है, 48 मेगापिक्सल का जो है एक मेन कैमरा है, उसमें सोनी का IMX689 का सेंसर लगा हुआ है जिसका अपर्चर F1.7 है और इसमें OIS का सपोर्ट है। चौथा है कलर फिल्टर कैमरा, साथ में इसमें आपको LED फ्लैश लाइट मिल जाएगी। और ये बोलें कि पहली बार है वन प्लस में कि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दे रखा है। अब यहाँ पर सोनी IMX689 के सेंसर के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए कुछ कंपैरिजन बता रहे हैं वन प्लस 7 प्रो और वन प्लस 6 से, और जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज़्यादा लाइट, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग, इसका मतलब लेस नॉइस, लेस ग्रेनी और आपके जो इमेजेस है या फिर वीडियोस है वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इसमें डुअल नेटिव ISO दे रखा है, 2x2 OCL भी दे रखा है, जिसकी वजह से सिनेमा के जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं उन्हीं में मिलती है दोनों चीज़ें, जो कि लो लाइट में नॉइस को रिड्यूस करती है। 2x2 OCL जो है ये क्या करता है कि इसमें फोकस की एक्यूरेसी देता है लो लाइट में भी। ये देखिए कुछ सैंपल शॉट दिखा रहे हैं। अब ये अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बता रहे हैं, जो कि है 48 मेगापिक्सल का, जिसमें 120 का आपको फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। और ये 48 मेगापिक्सल है तो इसकी वजह से आपको क्या होगा कि फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपकी जो इमेज है वो भी ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे आप जूम करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको इमेज देखने को मिलेगी। अब इस बड़े सेंसर का एक और फ़ायदा ये कि आपको अल्ट्रा वाइड नाइटस्केप भी अब मिल जाएगा। और देखिए एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको डार्क में भी क्लियर और शार्प इमेज आएगी। ये कंपैरिजन है आईफोन 11 प्रो मैक्स का वन प्लस 8 प्रो से। अब इसमें जो एक टेलीफोटो लेंस दे रखा है उसमें 3x हाइब्रिड जूम के साथ साथ 30x का डिजिटल जूम मिल जाता है। और इसमें एक और चौथा कैमरा जो कि कलर फिल्टर कैमरा है, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आर्टिस्टिक इमेज बना सकते हैं। अभी इसके वीडियो के बारे में बता रहे हैं। अब इसमें हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन दे रखा है, जिसका मतलब आपको OIS प्लस EIS का सपोर्ट मिल जाता है। और इसमें 3 आपको माइक्रोफोन भी मिलेंगे, जिसकी वजह से जो रिकॉर्डिंग है स्टीरियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको लेस नॉइज भी आपको मिलेगी इसमें। देखिए किस तरह से और इसमें ऑडियो जूम भी है, जब आप जूम करेंगे तो ऑडियो तेज़ होती जाती है। और ऑडियो विंड स्क्रीन मतलब जब हवा चलती है तेज़ तो ये उस हवा की जो आवाज़ है उसको दबा देता है। अब इसमें 3 HDR टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप के HDR इमेज निकालता है और उनको कॉम्बाइन करके एक इमेज देता है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होता है कि जब आपके सब्जेक्ट के पीछे की तरफ जो लाइट है, बैकलाइट बोलते हैं, वो ज़्यादा तेज़ भी होती है तो भी आपको यहाँ पर एक परफेक्ट वीडियो देता है। और इसका कंपेरिजन दिखा रहे हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स से। तो ये है वन प्लस 8 प्रो का कैमरा सेटअप, जो कि रियर में दे रखा है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें सोनी IMX689 का सेंसर लगा हुआ है, जिसका सेंसर साइज़ है 1x1.4 और ड्यूअल नेटिव ISO है, 2x2 OCL है, डायनामिक वीडियो, और साथ साथ में इसमें एक और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का कैमरा लगा हुआ है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 120 है, और सोनी IMX का 586 का जो उसमें सेंसर है, और इसका जिसका साइज़ है 1x2 इंच है। इसमें डायनामिक वीडियो यानी 3 HDR टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन है, 3 माइक्रोफोन है और ऑडियो जूम भी है। और अब इसके प्रोसेसर के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865, जो कि 5G प्रोसेसर है, और इसमें ज़्यादा आपको 12 GB की LPDDR5 की रैम मिलेगी, और इसमें UFS 3.0 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि टर्बो राइट और HPP टेक्नोलॉजी का है। Wi-Fi 6 आपको मिलेगा, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमस मिल जाएगा, हैप्टिक वाइब्रेशन 2.0 मिल जाएगा, 4510mAh की इसमें बिग बैटरी मिल जाएगी, जो कि अभी तक सबसे बड़ी बैटरी इसमें लगा रखी है। वॉप चार्ज 30T इसमें मिल जाएगा, वॉप चार्ज 30 वायरलेस चार्जर भी इसमें मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। और इसके जो स्पेसिफिकेशन की वजह से क्या होगा कि आपको जो गेम है वो काफ़ी अच्छा आप इसमें खेल पाएंगे। और इसके साउंड के बारे में बता रहे हैं, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का जो साउंड है, सराउंड साउंड, और इसमें बोल रहे हैं न्यू और इम्प्रूव्ड हैप्टिक मोटर वाइब्रेशन जो है उस 2.0, जिसकी वजह से आपको हैप्टिक और या फिर बोलते हैं वाइब्रेशन को जो सेंसेशन है, जो आपको एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप जब गेम भी खेलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और देखिए अब इसकी जो बड़ी बैटरी मैंने बताई थी 4510mAh की, वो सबसे बड़ी बैटरी अभी तक इनके सभी फ़ोनों में से इसमें लगा रखी है।
और इसमें वॉप चार्ज 30T की वजह से आप 0 से 60% तक सिर्फ एक आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। अब इसमें वॉप चार्ज 30 वायरलेस का भी इसमें सपोर्ट दे रखा है और ये रिवर्स चार्ज को भी सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर इसके चार्जिंग कैपेसिटी किस तरह से फास्ट है उसमें दिखा रहे हैं कंपेरिजन सैमसंग S20 अल्ट्रा और आईफोन 11 प्रो मैक्स की वन प्लस 8 प्रो से। और इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस मिल जाएगा और इसमें आपको स्मूथ बैटल 2.0 मिलेगा, मतलब इसको जो आप जब इसको सर्व करेंगे आप मोबाइल देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसमें करीब 280 न्यू ऑप्टिमाइजेशन कर रखे हैं जिसकी वजह से नेविगेशन और स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूदर हो जाएगी। और इसमें आपको डार्क थीम भी मिलेगी जो कि न्यू इम्प्रूव्ड वाली डार्क थीम है। और इसमें डायनेमिक वॉलपेपर भी आपको मिलेगा और जो कि वेदर के साथ चेंज होता जाएगा। इसमें लाइव कैप्शन भी दे रखा है। अब इसमें स्टेडिया गेम जो है वो भी आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सारे जो गेम हैं वो आप इसमें खेल सकते हैं। साथ में इसमें आपको अमेज़ॉन के जो एलेक्सा है उसका वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा, बस आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और आप इससे काम लेना शुरू कर सकते हैं। अब ये वन प्लस 8 के बारे में बता रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं कि आपको काफ़ी अच्छा इसमें भी एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि ये भी 5G फ़ोन है और ये भी इनका एक फ्लैगशिप फ़ोन है। अब ये इसके डिज़ाइन के बारे में बता रहे हैं। देखिए इसमें जो वन प्लस है ये 6.55 इंच का जो इसके स्क्रीन साइज़ है और इसकी विड्थ काफ़ी बोल रहे हैं कम है। देखिए कंपैरिजन दिखा रहे हैं जो कि आईफोन 11 प्रो मैक्स है और जो कि आईफोन 11 प्रो के लगभग बराबर ही है ऐसा ये बता रहे हैं। और बोल रहे हैं इसकी जो थिकनेस है वो भी हमने काफ़ी कम कर रखी है जो कि लगभग 8 मिलीमीटर के बराबर है। और ये बोल रहे हैं कि काफ़ी ये हल्का भी है लगभग 180 ग्राम का। और इसमें भी आपको कलर मिलेंगे ऑनेक्स ब्लैक और ग्लेशियल ग्रीन। साथ साथ में इन्होंने एक और अनोखा कलर निकाला है जो कि इंटरस्टेलर ग्लो है जो कि अलग अलग टाइप के जब आप इसे घुमाएंगे तो काफ़ी अलग अलग इसमें कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको 6.55 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी और जो कि आपको फुल HD प्लस का इसमें रेजोल्यूशन मिलेगा। 1100 nits की इसमें पीक ब्राइटनेस मिलेगी। JNCD जो है इसका 0.4 है। HDR10 और HDR10 प्लस का सपोर्ट है। 40% लेस इसमें जो ब्लू लाइट इमिशन है। 4096 लेवल का इसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल दे रखा है और जो इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अब इसमें भी कलर मैट का जो इन्होंने डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन के लिए दिया है तो इसमें भी A+ मिला है। साथ साथ में इसमें 10 अलग अलग कैटेगरी में इसे रिकॉर्ड भी बनाने को मिला है। अब इसका कैमरे के बारे में बता रहे हैं जो कि रियर कैमरा है। इसमें ट्रिपल कैमरा आपको मिल जाएगा रियर में। पहला जो इसका कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें सोनी IMX586 का सेंसर है जो कि OIS को सपोर्ट करता है। दूसरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तीसरा है मैक्रो कैमरा और साथ में आपको LED फ्लैश लाइट तो मिली जाएगी। और इसके सोनी IMX586 के बारे में बता रहे हैं एडवांस इमेज प्रोसेसिंग दे रखी है और इसकी वजह से क्या होता है काफ़ी अच्छी इमेज कैप्चर करता है। अभी देखिए कुछ सैंपल शॉट दिखा रहे हैं। अभी देखिए अल्ट्रा वाइड के बारे में बता रहे हैं। अभी इमेज स्टेबलाइजेशन जो वीडियो में है वो बता रहे हैं किस तरह से होगा। और इसमें देखिए हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन दे रखा है जो ऑफ करेंगे तो इस तरह से और ऑन करेंगे तो इस तरह से हमें वीडियो देगा। और इसमें आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और इसमें जो हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन जो दे रखा है वो OIS और ES दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगी। अब ये देखिए दूसरी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि वन प्लस 8 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 का चिपसेट मिल जाएगा और इसमें अप टू 256 GB तक की UFS 3.0 वाली स्टोरेज मिल जाएगी जो कि टर्बो राइट और HPB के साथ आएगी। USB का अब 3.1 भी मिल जाएगा इसमें। Wi-Fi 6 भी इसमें में है और 4300 mAh की इसमें बैटरी दे रखी है। वॉप चार्ज 30T भी इसमें मिल जाएगा। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस मिल जाएगा। हैप्टिक वाइब्रेशन 2.0 भी मिलेगा। तो चलिए थोड़े और जानते हैं इस बारे में। और देखिए बता रहे 4300 mAh की जो इसमें बैटरी दे रखी है जिसमें वॉप चार्ज अगर 30T से आप करते हैं तो 60% आधे घंटे में आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि एक पॉइंट है जो वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो दोनों के बारे में है और ये है कि दोनों फ़ोन 5G रेडी हैं। अब इसकी प्राइस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पहले बता रहे हैं वन प्लस 8 के बारे में। तो 8+128 GB की जो प्राइस है वो है $699 और इसकी प्राइस देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको इंडियन रुपीज़ में। और 12/256 की प्राइस है $799।
अब वन प्लस 8 प्रो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी 8128 की प्राइस है $899। और इसका जो सबसे टॉप वाला वेरिएंट है 12+2 56 GB का, उसकी प्राइस है $999। तो इन सब की प्राइस इंडियन रुपीज में आपको यहाँ दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए इसकी अवेलेबिलिटी और ये कब कब मिलेगा, ये सब बता रहे हैं कहाँ कहाँ मिलेगा। तो हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका ग्लोबल इसका लाइव लॉन्च इवेंट था, और भारत में कब और कैसे अवेलेबल होगा, जब भी अवेलेबल होगा तो इसके लॉन्च इवेंट के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, और आपको इस फ़ोन में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जो भी आप कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और आप मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।